नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आया हूँ खुशबू गोट फार्म पे और इस गोट फार्म का वीडियो आप पहले भी देख चुके हो और इस गोट फार्म के ओनर हमारे साथ है। हमारे साथ हैं खुशबू गोट फार्म के ओनर काजल दीदी। दीदी नमस्ते। नमस्ते दीदी, पहले भी आपके गोट फार्म का मैंने वीडियो डाला था, बस उसमें पूरा मैं फार्म कवर नहीं कर पाया। और आपके पास जो गोट फार्म है और उसके साथ में आपके पास कुछ और कलेक्शन है, यानी आप बदक वगैरह बहुत सारे जानवर भी पाल रखे हैं, तो वो सारी जितने भी जानकारी है वो इस वीडियो में हम आपको सबको दिखाएंगे। तो आपके पास क्या क्या कलेक्शन है वो आप बताइए। ये हमने बदक भी रख रखी है यहाँ पे। अच्छा, ये बदक, हाँ, ये बदक ये कितने साल से आपके फार्म पे? ये हो गए 3 साल हो गए। 3 साल से। अच्छा, 3 साल हो गए। तो ये शौक है या फिर शौक है मेरा, इनको बेचते हो आप? नहीं नहीं, ये खाली घर पे, ये फार्म पे रहते हैं, बेचती नहीं है। अच्छा, फार्म पे रहते हैं। और साथ में क्या क्या है आपके पास? ये बकरा बकरी है, कबूतर है। अच्छा, कबूतर दिखाएंगे? हाँ, कबूतर। तो दोस्तों जैसे आप फार्म का वीडियो तो आप देख ही चुके हो, ये इनके पास फार्म है और इसमें एक फोर सेल वाला वीडियो भी आएगा। अगर किसी भाई को सिरोही सोजत की बकरियाँ चाहिए तो वो भी आपको वीडियो मिलेगा। अभी हम इनके पास जो कलेक्शन है वो देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने पाल रखा है। ये इनका फार्म है, ये गोट फार्म है और साथ ही ये दूसरा भी एक फार्म इन्होंने तैयार करा है और इनमें बहुत सारा इन्होंने कलेक्शन दे रखा है। आप जैसे देख सकते हो इन्होंने फार्म में कबूतर भी पाल रखे हैं। तो काजल दीदी, ये कहाँ, कब, कितने साल से आपके पास है ये? ये अभी 6 महीने हुए हैं, 5-6 महीने। अच्छा, पिछली बार जब आया था तो ये ऐसा ऐसा कुछ कलेक्शन आपके पास नहीं था? ये कबूतर नहीं थे। तो कबूतर? अच्छा, इनको बेचते नहीं हो आप? नहीं बेचते नहीं, ये अपने खाली फार्म पे रहते हैं, दाना ना खाते हैं। अच्छा, इसमें आप कोई सी उच्च नस्ल वाली भी कबूतर है या फिर ये लोकली है? सभी नस्ल के हैं ये, किसी ने दिए थे मेरे को, यानी मैंने किसी से खरीदे। अच्छा, सभी आ गए, उन्होंने क्या है ये सभी शौक के तौर पर। अच्छा, और क्या है आपके पास? और घोड़ी है, कुत्ते हैं। अच्छा, ये मेरी कुत्ती है। कौन सी नस्ल की? ये वो है हिमाचल ब्रीड, बोलती है हिमाचल गद्दी, क्या बोलते हैं ना। हाँ हाँ, हिमाचल तरफ की। हाँ, मुझे भी नहीं पता बट आए। कितने साल से अपने फार्म पे? ये हो गए इसको अपने साल, अपने ना 3 साल हो गए ये। 3 साल? किसी ने मेरे को अपने वालों ने दिया है यानी। अच्छा, और ये है डेयरी का, डेयरी फार्म आपका? डेयरी। तो मैं जैसे पिछली बार आपके फार्म पे आया था, हाँ, तो ये दूध डेयरी का नहीं था? दूध डेयरी का तो आपने मतलब जानवर बेच दिए थे? नहीं बेचे नहीं थे, थे नहीं पर ही, लेकिन मैंने दिखाए नहीं थे वो जानवरों। अच्छा, बेचे नहीं थे? मेरे को बकरी की डालना था तो मैंने बकरी की डाली थी उस टाइम पे। उसके बाद भी मैं आपके फार्म पे आया था तब तो एक भी जानवर नहीं था, जब मैंने बेच चुकी थी। अच्छा, तो क्या कारण था बेचने का? कारण यही था कि कुछ खिलाना पिलाना भी महंगा पड़ रहा था और कुछ दिक्कत भी आ रही थी उसके अंदर। तो आप क्या है कि थोड़ी अपनों ने रखी और अच्छी रखी है वापस से। अच्छा, हाँ। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने होम थिएटर भी लगा रखा है। हाँ, ये होम थिएटर है इनका, गाने का, ये गाना सुनती है जब दूध निकलता तो। अच्छा, हाँ। मतलब गाने चलते रहते हो तो दूध अच्छे देती है? हाँ, गाने चलता है तो ये दूध अच्छी देती है कि चल। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि गोट फार्म के साथ में इन्होंने डेयरी का भी फार्म इनका है और अच्छा कलेक्शन है। और साथ ही साथ इनके पास जिसे देख सकते हैं पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, इनके पास घोड़े और घोड़ियाँ हैं तो ये भी इन्होंने पाल रखा है। काजल दीदी, पहले तो एक ही घोड़ी थी, अभी पहला सेक्शन बिल्कुल नहीं था, ये अभी नया कंस्ट्रक्शन है क्या? नहीं, ये कंस्ट्रक्शन नया बनाया गया आपने? बकरों के लिए बनाया अपने, घोड़ी उधर चली जाएगी पीछे की तरफ में। अच्छा, इसमें बकरे आएंगे जो नए, वो इसमें रहेंगे नए वाले जानवर। तो दोस्तों जैसे आप फार्म देख सकते हो, ये एक डेयरी फार्म के रूप में बनाया था इन्होंने, बट इसमें दो पार्टीशन करके और गोट फार्म का भी बना दिया। और ये कुछ बच्चे इन्होंने अपने फार्म पे रख रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, इनका भी एक वीडियो आएगा जिसमें आप सभी नस्लें, कौन कौन सी नस्ल के बच्चे हैं और किससे क्रॉस हुए हैं वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो काजल जी, बस जैसे फार्म तो आपका दिखा दिया हमने, हाँ। और कलेक्शन भी, जैसे कि आप ने छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक सेट टाइप बना रखा है पूरा, हाँ। तो हमारा बस ये सवाल है, इस वीडियो में हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई भाई
गोट फार्म कर रहा है हाँ। तो क्या डेयरी को भी डेयरी को भी साथ में रख सकता है क्या है कि इनके जो कुछ पैसे आते हैं खर्चे के तो ये बकरा बकरी के अंदर खिले ही में काम आ जाते हैं अपनों को। थोड़ा आप उसका मेरा पूरा डिटेल बताइए, जैसे कोई भाई खोलता है तो उसको अर्निंग, जैसे गोट फार्म में तो एकदम से अर्निंग नहीं मिलती है, छह महीने मिलती है या फिर मतलब 4 या 5 गाय रख लेगा तो समझ लो कि 25-50 लीटर दूध रोज का इसका डेली का जाएगा इनका। अच्छा कैसे थोड़ा, जैसे आपने पहले आपके पास कितने जानवर थे? पहले मेरे कने थी 16 भैंस थी हाँ। और ये 20-22 गाय थी मेरे कने। अच्छा हाँ, तो वैसे मैंने सब बेच दी हाँ, थोड़ी बहुत जो है वो रख ली थी और अभी और 2-3 मैंने ली इसमें खरीदी इसमें से। जैसे आप पहले बता रहे थे आपके पास 18 गाय और भैंस थी हाँ। तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो जाता था पर मंथ? उसमें हो जाता था हमारा 10,000 रुपये रोज का दूध जाता था। 10,000 का? 10,000 का। तो उसमें कितना बचता था आपको? भी लाता था मेरे। अच्छा 2-3 लाख का भी लाता था, 2.5 लाख का। तो उसमें से समझ लो कि 1.5-1 लाख इनके खिले में भी चले जाता था, 2 लाख रुपये, तो 50,000 अपनों को महीने का इनके दूध का बचता था। अच्छा तो वो अंदर अपने बकरा बकरी भी खा लेते थे उसी पैसों में। अच्छा तो आपको मतलब अपने जेब से कोई अदर खर्चा नहीं करना पड़ता था, सारा रोटेशन फार्म में चलता रहता था, अपन उसमें एडजस्ट कर लेते अपने और कुछ दूध के मिला के। अच्छा पूरा जो रोटेशन है वो फार्म में दूध पे चल जाता है, उसमें गोट फार्म में जितना मतलब जैसे वहाँ पे आप इनको जो खाना खिलाते तो वो भी इनको भी खिला सकते थे? हाँ, इनको भी खिला सकते, बकरा बकरी को भी खाते ना, वो भी हमारा सब। अच्छा इनको क्या देते हो आप? इनको ये देते मसूर और चने का बगदा देते हैं और पशु आहार और खल देते हैं बस शाम को। अच्छा दूध निकालने के टाइम पे खल दे देते हैं खल और पशु आहार। अच्छा मतलब आपका कहना है कि साथ में आप पाल सकते हो? हाँ ये पाल सकते हैं, इससे क्या है कि जैसे अपनों को कुछ पैसा भी आ जाए हाथ में महीने का, 5-8 गाय भी लेगी तो 60-70-80 हज़ार रुपये का बिल कहीं नहीं गया इसमें। अच्छा बहुत से भाइयों का सवाल रहता है कि गोट फार्म में प्रॉफिट है या नहीं, आप इसके बारे में एक बार और अच्छे से बता दीजिए। जैसे अभी आपका तो 3 साल लगभग हो गए हैं फार्म के, तो आप क्या सोचते हो गोट फार्म में? अच्छा है ये, तो ये काम क्या है, इसको जिस इंसान ने लगन से करा है तो ये काम सही साथ होगा, और इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो समझ लो कि बर्बादी के ऊपर ही जाना है। तो जैसे ईद पर्पस से पालना चाहिए या फिर ब्रीडिंग पर्पस से पालना चाहिए? तो ब्रीडिंग के हिसाब से पालते हैं। आप ब्रीडिंग है, ईद पर्पस से बिल्कुल नहीं पालते हो? अच्छा ये मतलब हमेशा जब सो के बाद बच्चों का और बकरियों का ही, बकरों का ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा बकरे नहीं रखते? तो मतलब ये छोटे बच्चे आप बेच देते हो? हाँ बेच देते हैं, कोई भी आता तो बेच भी देते हैं, कोई बकरे भी बड़े होते तो इसमें से बिक जाते हैं, कोई अपन किसी का माल भी खरीद लेते हैं, अपना भी माल बिक जाता है ना। अच्छा तो दोस्तों ये था काजल दीदी का कलेक्शन, इन्होंने फार्म में साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हो बिल्ली भी पाल रखी है और छोटे बच्चों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसका एक वीडियो आपको मिलेगा जो सेकेंड वीडियो रहेगा इसमें। तो जैसे कि आप देख रहे हो फार्म पूरा 3 सेट से बना रखा है और 20 सेट में इन्होंने बना रखा है फार्म, जैसे आप दिखा दूँ आपको, और 2 पार्टीशन बना रखा है। जैसे ये नया कंस्ट्रक्शन है, अभी पहले नहीं था, अभी इन्होंने बनाया है। तो किसी भाई को इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनाना तो वो देख सकता है कि इस तरह का पार्टीशन करके जालियां से वो पार्टीशन करके फार्म में छोटा स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर दूध डेयरी का भी करना चाहते हो आप फार्म तो साथ में कर सकते हो, क्योंकि जैसे काजल जी का कहना है कि जो दूध का जो प्रॉफिट है और जो उसका अर्निंग होती है वो आप गोट फार्म में लगा सकते हो, उनके खर्चे में लगा सकते हो, तो आपको अदर अपने जेब से अर्निंग नहीं करना पड़ेगा, ये देख सकते हो आप। और ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन है और अच्छा फार्म इनका है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कैसा वीडियो आपको लगा ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।